Hello, a very good evening to all of you. Good evening everyone. Very good evening to all. आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टार्टिंग 7 मिनट चैनल पर। मैं आप लोगों के साथ आपकी एजुकेटर एक बार फिर से गौरी बट फिर से जुड़ चुकी हूँ और देखते हैं कि आज हम क्या धमाल लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, क्या रूट वर्ड्स लेके आए हैं जिससे हमारी जो वोकैबुलरी है वो और आसान बनने वाली है। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप सभी लोग मेरे साथ डेली स्टूडियोज चैनल पर जुड़ते हो वाईफाई स्टार्टिंग स्टूडियो पर, जहां पर 8:15 पर हम आपका लेते हैं द हिंदू एडिटोरियल सेशन। उसके बाद 11 बजे आप जुड़ते हैं एसएससी स्पेशल क्लास के लिए और फिर आप जुड़ते हैं 1 बजे एसएससी सीजीएल की स्पेशल क्लास के लिए। आशा करें सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है, तो जिन्होंने भी अभी सेशन को देखना स्टार्ट नहीं किया है वो 1 बजे मेरे साथ लाइव होंगे, ठीक है। और 9 नवंबर से और एक और गुड न्यूज, ठीक है, मतलब 9 नवंबर से शाम को 5 बजे आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एक धमाकेदार बैच शुरू हो चुका है, जिसमें ये पूरी टीम मेरे साथ आप लोगों को पढ़ा रही है। और अगर आप लोग इस बार निकालना चाहते हो आईबीपीएस क्लर्क, तो Gauri10 कोड को यूज करिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्लियर है। सबसे बड़ी बात, आप लोग सीईटी का एग्जाम मत देना यार, लास्ट नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम लोग निकाल ही लो कैसे भी करके। सीएचएसएल की वैकेंसी है आप लोगों के पास और इसके साथ साथ बैंकिंग की वैकेंसी है, आईबीपीएस क्लर्क का बैच है, तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज नए रूट वर्ड्स हमारे पास क्या आए हुए हैं। आज हम एक ऐसा नया रूट वर्ड लाए हैं जो आप लोगों को बहुत बेहद पसंद आने वाला है। तो लेकिन सेशन में हम आगे बढ़े उसके पहले आप जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो आज का नया वर्ड आपके लिए क्या है, मॉट और इमॉट। अब आप कहोगे मैम इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डोंट वरी हम बता रहे हैं। मॉट वर्ड का मतलब होता है वो चीज जो आज नहीं तो कल, जिसको मरना तय होता है। और इमॉट का मतलब होता है जो कभी भी नहीं मरते, अजर और अमर होते हैं। इनसे दो वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड आता है मॉर्टल, मॉर्टल वर्ड एक एग्जेक्टिव का वर्ड है, और दूसरा आता है मोर्टैलिटी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक वर्ड होता है मॉर्टल और एक वर्ड होता है मोर्टैलिटी। चाहे मॉर्टल आ जाए या इमोर्टैलिटी आ जाए, ये वर्ड आप कौन से यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, जिनकी डेथ हो जाती है या जिनमें वो लोग होते हैं जिनकी डेथ होना निश्चित होता है। और सेम चीज इमॉर्टल से बनता है, एक होता है इमॉर्टल और एक होता है इमोर्टैलिटी। दोनों का मीनिंग यही सेम होता है, वो लोग जो कभी नहीं मरते और अजर और अमर होते हैं, क्लियर। अब आइए जरा देखते हैं कि इससे एग्जाम्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और कौन कौन से वर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मॉर्टल आ जाएगा या फिर मोर्टैलिटी आ जाएगा तो दोनों का सेम मीनिंग हायर होगा। इसका मतलब होता है अ सब्जेक्ट हु इज डाई, या फिर आप कह सकते हो हु इज डाई, जो आज नहीं तो कल, जिनका मरना तय होता है, जैसे हम सब लोग हैं। और एक वर्ड आपके पास जनरेट होता है इमॉर्टल और दूसरा होता है इमोर्टैलिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस पार्ट ऑफ स्पीच का है, बाकी मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब होता है हु इज नेवर डाई, जो कभी भी नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे, जिसमें आपके गॉड आते हैं, ठीक। इससे दो वर्ड और रिलेट करते हैं। आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना होगा पोस्टमार्टम, है ना, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, पोस्टमार्टम का मतलब ही होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान या कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है जब डेड बॉडीज एक्सीडेंट में मर जाती हैं, क्लियर। उसके बाद आप लोगों का एक वर्ड बनता है मॉर्चुरी। अब मॉर्चुरी क्या होता है, मॉर्चुरी रूम्स वो रूम होते हैं जो लावारिस लाशें होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा लावारिस लाशें, जो किसी एक्सीडेंट हादसे में मर जाती हैं, जिनके घर वालों का अता पता नहीं चलता है, तो उनको एक मॉर्चुरी रूम में रखा जाता है, जिससे कि वहां पर उनके घर वालों का पता किया जाता है, और अगर घर वाले नहीं मिलते हैं तो उनको जला दिया जाता है या उनके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्चुरी रूम। जहाँ पर पोस्टमार्टम में वो डेड बॉडीज आती हैं जो सुसाइड केस होते हैं या जिनका मर्डर होता है, उन लोगों को रखा जाता है, क्लियर। बात समझ में आ गई, तो आपको ये दो वर्ड आज यहाँ पर मिल गए मॉट से रिलेटेड। तो याद रखना कभी भी मॉट वर्ड आ जाएगा या इमॉट आ जाएगा वो हमेशा और हमेशा वर्ड डेथ को शो करेगा, डेथ से ही रिलेट करेगा, डेथ के अलावा किसी भी वर्ड से रिलेट नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट मेरा अच्छे से क्लियर हुआ, राइट। अगर क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम हमें क्लियर हो चुका है, वी आर डन विद दैट। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है।
फटाफट से कमेंट करिएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करिए, फटाफट से स्पीड में कमेंट करिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। ओके, तो चलिए स्टूडियो पे भी मेरे साथ जुड़ा करिए, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर अनअकैडमी पर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर जाकर के फॉलो जरूर से कर लेना। ठीक है, अनअकैडमी पर एक नाम सर्च करना है बस आप लोगों को, सिंपल गौरी भट्ट, GAURIBHAT. ठीक है, फॉलो कर लेना, फॉलो करते ही आपको सारी क्लासेस के ऑप्शंस आने लगेंगे मेरे। ठीक है, और अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज माय कोड, आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थैंक यू एवरीवन।